छोटी छोटी कहानियां सिखाती बड़ी बड़ी बातें। आज की कहानी बंटी की है। बंटी हो गया बड़ा, स्कूल खत्म, कॉलेज शुरू। बंटी के पिताजी ने सोचा अब बंटी को कार देनी चाहिए, अपनी कार, पुरानी कार जो चलाए। बंटी के पिताजी ने उसको बुलाया और बोला, बेटा ये कार लो और जरा मार्केट घूम करके आओ। बंटी बड़ा खुश, कपड़े पहने अच्छे, जूते पहने, 400-500 रुपये लिए मम्मी से मांग करके कि बाजार जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, कार पे जा रहा हूँ, और बंटी निकले। 2 घंटे के बाद वापस आए, बड़े उदास, लटका हुआ मुंह। मम्मी ने देखा तो मम्मी ने पूछा, अरे बंटी उदास क्यों हो, कहीं कार ठोक डाली क्या? बोला, नहीं 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 मम्मी, कार बिल्कुल सही सलामत है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन मुझे पार्किंग के लिए 300 रुपये का दंड भरना पड़ गया। मम्मी ने कहा, बेटा कैसी जगह पर तुमने कार पार्क की थी? बंटी ने उदासी से जवाब दिया, मम्मी जब मैं मार्केट गया तो एक किनारे पर बोर्ड लगा था, बोर्ड पर लिखा था यहां पर कार पार्क करने के लिए सोचना ही नहीं। मैंने बोर्ड पढ़ा और बिना सोचे वहां कार पार्क कर दी। सिपाही आया और उसने मुझे 300 रुपये का दंड भरवा लिया। देखिए बंटी जी सिखाते हैं, हम कभी भी कोई कम्युनिकेशन सुने या पढ़े तो हम क्या पढ़ते हैं? शब्द, वर्ड्स। हम शब्दों को पढ़ करके अर्थ लगा लें तो होगा शब्दार्थ, लेकिन शब्दों के पीछे छिपे होंगे भाव। यदि हमने शब्दों के पीछे छिपे हुए भाव को समझा तो हम समझेंगे भावार्थ। शब्दार्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेटर्स वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। लेटर्स और वर्ड जो मीनिंग कैरी करते हैं, जो अर्थ अपने पीछे लेकर के आते हैं, वो महत्वपूर्ण है, वो इंपॉर्टेंट है, उसे समझने की जरूरत है। बहुत बार हम भी शब्दों को पकड़ने की गलती करते हैं। चलिए आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं, शब्द नहीं पकड़ेंगे, अर्थ पकड़ेंगे। और अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।